जेई मेंस 2025 बहुत बड़ा बिग अपडेट है दोस्तों। इसमें कई परिवर्तन हो गए हैं, कई चेंजिंग हो गए हैं, जिसका मैं वीडियो अपलोड भी कर चुका हूं, उसको भी देख लीजिएगा। और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने एडवाइजरी जारी कर दिया है कि आधार के आधार पर अब किसी भी कैंडिडेट को छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। उसका सर्टिफिकेट में कुछ भी नाम हो तो उससे कोई मतलब नहीं है। वेरीफाई के नाम पर आधार वेरीफाई होना चाहिए, आधार के साथ मिलना चाहिए, ये सब अब कुछ नहीं है कि जैसे आधार में वैसा सर्टिफिकेट में, ये सब को एकदम शिथिल कर दिया गया, अब इससे कोई मतलब नहीं है। और ये आपका मार्कशीट में जो भी नाम है अब उसको मिलाने का कोई जरूरी नहीं है। ये बहुत बड़ा भी अपडेट है। ऐसे भी NTA ने यहाँ जेई मेंस परीक्षा और एडवांस में 3 बार चांस कर दिया है, पहले 2 ही बार होता था। इस तरह बहुत बड़ा भी अपडेट है, आप लोग लगे रहिए, तैयारी कीजिए और इसको दीजिए। इससे पहले 3-4 वीडियो मैं बना चुका हूँ, जो भी चेंजिंग आता है जेई मेंस नीट ये सब का मैं डालते रहता हूँ, तो उसको देखते रहिए। मेरा चैनल को लाइक शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहेगा। मेरा आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। हम लोग आइए टोटल डिटेल जानते हैं कि क्या क्या चेंजिंग हुआ है और क्या क्या आपको करना है। और इस फॉर्म आप भर दीजिए, 22 नवंबर तक इसका डेट है, इसको फटाफट भरिए, इसमें लेट मत कीजिए। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं, वीडियो में बने रहिए। आधार और 10वीं की मार्कशीट में अब विद्यार्थी का नाम मिलान जरूरी नहीं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जारी की एडवाइजरी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA की ओर से आयोजित होने वाली जेई मेन 2025 परीक्षा के पहले सत्र के ऑनलाइन आवेदन किया है। पिछले 8 दिनों में 2.5 लाख से अधिक स्टूडेंट आवेदन कर चुके हैं। आप भी अगर नहीं किए हैं तो इंतजार मत कीजिए, फटाफट कीजिए, एकदम देखिए मत। आवेदन की अंतिम तिथि 22 नवंबर रात्रि 9 बजे तक है। वहीं नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में एडवाइजरी जारी की है। इसमें आधार कार्ड एवं 10वीं के मार्कशीट में स्टूडेंट का नाम मिलान जरूरी नहीं है। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके स्वयं के नाम एवं आधार कार्ड में नाम मिलान होने पर ये सभी स्टूडेंट आवेदन के दौरान आधार नंबर वाले कॉलम में आधार नंबर भरकर खुली हुई पॉप अप विंडो पर क्लिक कर आधार कार्ड पर लिखे नाम के अनुसार आवेदन प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। मालूम हो कि इस बार जेई मेन में कई बदलाव किए गए हैं, यह भी उसी में से एक है, यानी बहुत बदलाव। जैसे जेई एडवांस में बताया एक बार कि 3 बार अब चांस मिलेगा और है, तो देखिए उसमें से एक ही आधार वाला भी है। जेई एडवांस IIT कानपुर की जारी सूचना में इस साल 3 मऊ के और सिलेबस जारी कर दिया गया है। देखिए सिलेबस भी जारी है इस साल, तो 3 मऊ का एडवांस में दिया भी गया है। पर IIT में प्रवेश के लिए बोर्ड योग्यता पात्रता जारी नहीं की है, IIT वाला का जारी नहीं किया है, केवल बोर्ड के नाम पर जारी किए गए हैं। जबकि पूर्व में जेई मेन के सूचना बुलेटिन में बोर्ड पात्रता 75 सहित कैटेगरी अनुसार टॉप 20% की पात्रता जारी की जा चुकी है। ऐसे में स्टूडेंट असमंजस में है कि जब IIT NIT में प्रवेश के लिए झोसा काउंसिलिंग प्रोसेस कॉमन होता है, क्या ऐसे में IIT NIT में प्रवेश के लिए बोर्ड पात्रता अलग अलग होगी? क्योंकि IIT कानपुर में अभी तक जेई एडवांस में प्रवेश के लिए बोर्ड पात्रता समय अनुसार जारी करने की बात कही है। दोस्तों ये बहुत बड़ा बिग अपडेट, अब आधार और 10वीं मार्कशीट में विद्यार्थी का मिलान कोई जरूरी नहीं होगा। दोस्तों जय हिंद, जोहार झारखंड।